आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपको बताएंगे कि आप कैसे फेसबुक स्टडी ऐप से अर्न कर सकते हैं और आप इसे यूज कैसे कर सकते हैं, और यदि आप यूज करना चाह रहे हैं तो आप पे जो उसका कोड होता है कॉन्फर्मेशन कोड वो क्यों नहीं आ पा रहा है, तो इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के आखिर तक। आपको हम लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे देंगे। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिया गया है, जहां से आप इसे इस पेज पे आ जाएंगे और यहां पे आने के बाद इंस्टॉल बटन है, इसे पहले पूरा पढ़ ले क्या क्या इसकी मांग है फेसबुक के स्टडी ऐप की, आपको क्या क्या पूरा करना होगा और आपसे यह कैसे आप इस पर काम करेंगे, तो इस सब के बारे में दिया गया है। तो आप इसे यहाँ पर आके आसानी से आपके हर सवाल के यहाँ पर जवाब है पढ़ ले और जान ले। तो आपको हम बताएंगे भी कि आप इसमें क्यों इसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। उससे पहले बता दें कि यदि आप टेक्नोलॉजी से जुड़ी ज्ञान ऑनलाइन अर्निंग से जुड़ी बातों को सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो एक फेसबुक स्टडी ऐप के बारे में हम सबसे पहले बता दें कि जब आप लिंक डिस्क्रिप्शन में उस पर से आइएगा तो आप यहाँ पे आ जाइएगा और यहाँ पे इंस्टॉल बटन होगा, उस पर क्लिक करके आप इस पेज पे आ जाइएगा। तो इस पेज पे आने के बाद आप यहाँ से जनरली आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपको हम बता दें कि इसमें हर कोई पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, इसीलिए लोग अपना ईमेल देने के बाद उस ईमेल पे कॉन्फर्मेशन जो कि लिंक आता है या उसका कोड आता है कोड भेजता है, ये आपके पास नहीं आता है। तो ये बहुत से लोगों के साथ परेशानी होती है इसमें, क्योंकि फेसबुक साफ साफ लिखता है कि इसमें वही लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे। सिर्फ दो कंट्री में इसे लॉन्च किया गया है, एक इंडिया है और एक यूएसए है। तो आप में से अधिकतर लोग की परेशानियाँ होगी कि हम तो इंडिया के हैं फिर भी इसे उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इसमें भी फिर एक बात है, यदि आप इंडिया के हैं फिर भी आपको फेसबुक के तरफ से यदि आप इनवाइट किए गए हैं, आपको निमंत्रण भेजा गया है फेसबुक के तरफ से कि आप इसे आपको उपयोग करें, तभी आप इसका उपयोग कर सकते हैं, वरना आप यूं ही इसे डाउनलोड करके नहीं कर सकते हैं। तो आपसे यह क्या क्या इन्फॉर्मेशन लेगा तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे, आपसे यह क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपके स्मार्टफोन से ले सकता है। तो आपको हम बता दें कि आप कौन से ऐप यूज करते हैं, आपकी सारी प्राइवेसी पॉलिसी की जानकारी इसके पास होगी यदि आप इस ऐप को यूज करते हैं, या आपको इनविटेशन आता है तो आपसे यदि आप इसके साथ एग्री होते हैं तो इसके लिए $20 अमेरिका में पे करता था, जो कि पिछला एक प्रोग्राम लॉन्च किया था उसमें, और इस बार कितना तो क्लियर नहीं हुआ, लेकिन जो लोग इसे यूज करेंगे उन्हें कुछ ज़रूर डॉलर्स मिलेंगे पेपाल के तहत, वो पेमेंट रिसीव कर भी पाएंगे और उनका जो कि पूरा प्राइवेसी पॉलिसी फेसबुक वालों के हाथ में चला जाएगा और फेसबुक आपकी सारी जानकारी लेने लगेगा, जैसे हो गया आप कौन से ऐप इस्तेमाल कर रहे हो, किस पे आप कितना देर समय बिताते हो, आपका जो कि नेटवर्क किस कंपनी का है, जियो का है, एयरटेल, ऐसा ऐसा नेटवर्क प्रोवाइडर, आप कितना MB कहाँ खर्च करते हो और कौन से डिवाइस यूज करते हो और किस कंट्री के कहाँ से लोकेशन से हो, और जितने भी आप दूसरे काम करते हैं ऐप पे या अपने स्मार्टफोन में, तो आप अपने प्राइवेसी को ध्यान में यदि रखते तो आप इस ऐप को यूज ना करें, और यदि आप चाहते कि पैसा कमाए प्राइवेसी को इग्नोर करके, या आप यदि आप चाहते कि फेसबुक एक आपके लिए ट्रस्टफुल कंपनी है तो आप इसे उपयोग कर सकते हैं। और चलिए अब आपको हम दिखाते हैं कि आप सबसे मेन प्रॉब्लम, तो इस हमने इसे इंस्टॉल कर रखा है, हम इसे ओपन करते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में है, वहां से जाइए और इसे आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। चलिए तो आप यहां पर देख सकते हैं साफ साफ शब्दों में लिखा गया है, इफ़ यू वेयर, सबसे नीचे वाले लाइनों में आप देख सकते हैं, इफ़ यू वेयर इन्वाइटेड टू फेसबुक स्टडी ऐप देन यूज दिस ऐप टू पार्टिसिपेट, यदि आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं तभी जब आपको फेसबुक स्टडी ऐप द्वारा निमंत्रण भेजा गया हो।
तो आपका, मुझे उम्मीद है आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल। यदि आप ब्लॉगिंग से जुड़ी जानकारी पाना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, हमने अपना जीमेल डाला लेकिन हमको कोई ईमेल नहीं आएगा, हम रिसेंड करेंगे तो भी नहीं आएगा, क्योंकि फेसबुक ने मुझे पार्टिसिपेट इस प्रोग्राम के लिए इस ईमेल पर ना किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा। यदि आपको इनवाइट किया जाता है फेसबुक के तरफ से, तभी आप इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हो।